एसबीपीएस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? प्रभु से परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में अपने परिवारों के साथ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दिन प्रतिदिन नई नई ऊंचाइयों को छू रहे होंगे और नई नई अचीवमेंट प्राप्त कर रहे होंगे, जैसा कि आप सब लोगों ने साल के शुरू में करके दिखा दिया। इस बार हमारे जो साल के शुरू में टारगेट आया था गोवा, आप सब लोगों ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है और इस साल हम पहली बार इस टारगेट में एसएलपीएस वेलनेस के 3000 के करीब फाइटर्स क्वालिफाई हुए हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत हार्दिक दिल से बधाइयां। आप लोगों ने कमाल करके दिखाया है और बड़ी ब्लास्टर क्लोजिंग गोवा टारगेट की है। और इन्हीं दिनों में जिन लोगों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, बड़े बड़े रैंक हासिल किए हैं, उन सब लोगों को भी दिल से बहुत बहुत बधाइयां। खासकर महिपाल सर जिन्होंने रॉयल एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई किया, शिव कुमार सर उन्होंने भी रॉयल एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई किया और जितने भी क्वालिफायर रैंक हैं, जो क्राउन डायमंड बने हो, एम्बेसडर बने हो, ब्लू डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, डायमंड, जिन लोगों ने भी ये रैंक हासिल किए हैं या और भी जितने हमारे रैंक हासिल किए, उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। और जिन लोगों ने लग्जरी कार अचीव की है, काली भंडारी सर ने X5 BMW जो हमारी कंपनी की पहली बड़ी कार है, वो दूसरी बड़ी कार है, पहले अनुज शर्मा सर ने फिर इन्होंने ली है, आपको भी भंडारी जी बहुत बहुत बधाइयां। और जितने भी विनोद सोनी जी ने शायद एक कार ली है और जितने भी लोगों ने लग्जरी कार ली है, सॉरी मुझे अभी आजकल इतनी कारें आती है कि सबका नाम याद नहीं रहता, उन सबको भी बहुत बहुत बधाइयां। और दोस्तों जिसका आपको इंतजार था, जहां आप सोच रहे थे कि इस बार कुछ अलग होगा, कुछ अलग टारगेट आएगा, हाँ इस बार कुछ अलग आएगा, लेकिन कुछ अलग ही आपको करके दिखाना है। कुछ अलग टारगेट है, कुछ अलग जज्बे से करना है, कुछ अलग जोश से करना है, कुछ अलग हिम्मत से करना है, समर्पण से करना है, क्योंकि टारगेट थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत यूनिक है। और वो टारगेट विदेश का है, जैसा कि मैंने क्रूज पे बताया था, क्रूज पे घूम के आपको हिंदुस्तान में मजा आया है तो विदेशों में घूमोगे तो कितना मजा आएगा, ये आप सब लोग अपने आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो इस बार एसएलपीएस वेलनेस आपको टारगेट दे रही है फॉरेन कंट्री का थाईलैंड टूर, 4 days 3 nights का। आपको आज रात 12 बजे के बाद ये टारगेट वेबसाइट पे आ जाएगा। और मेरी सभी फाइटरों से गुजारिश है, सभी फाइटरों को से ये मेरा आह्वान है कि इस टारगेट में जी जान लगा दें। और मैं चाहूंगा कि हम कम से कम 5000 लोग थाईलैंड जाएं और थाईलैंड में एक मेगा फंक्शन भी कर दें और नेटवर्क इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड बनाएं विदेश में एक मेगा शो करके। जितने भी फाइटर्स जाएंगे उन सबके साथ एक फंक्शन भी थाईलैंड में होगा, स्पेशल फंक्शन फॉर स्पेशल अचीवर्स ऑफ थाईलैंड, एक फंक्शन हम जरूर करेंगे। मेरा एक सपना था कि हम सब लोग एसएलपीएस के फाइटर एक दिन विदेश में मेगा शो करें, इस बार करने का मौका है। आप सिर्फ क्वालिफाई करो, शो हम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एसएलपीएस का हर फाइटर जी तोड़ मेहनत करेगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि दोस्तों फिर एक बार रिकॉर्ड बनाने का मौका है। और एसएलपीएस के फाइटर्स हमेशा अपने ही रिकॉर्ड बनाते हैं और अपने ही ब्रेक कर देते हैं। आप जैसे अच्छे लोग, आपका आशीर्वाद, आपका ये प्यार बना रहेगा। तो शुरुआत थाईलैंड से कर रहे हैं मेगा शो की, फिर आगे भी होंगे और भी विदेश कंट्री में होंगे, यूरोपियन कंट्रीज में भी होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये हिम्मत, ये जज्बा जो आप प्यार देते हो, परमात्मा इसको बना के रखे और हम सब मिलकर एक दिन अपने सपने, अपने परिवार के सपने और दुनिया समाज के सभी सपने जरूर पूरे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।